हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ दही के कबाब। चलो बनाते हैं। ये 200 ग्राम हम कर्ड है और इसके अंदर डालेंगे अब हम ये एक गाजर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, ये एक हरी मिर्च, इसके बीज निकाल रखे हैं, और ये हरा धनिया थोड़ा सा, ये बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च चरी वाली। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के आसपास नमक या स्वादानुसार, 1/4 स्पून है काली मिर्ची। और ये लगभग 100 ग्राम पनीर इसके अंदर कद्दूकस करके। ये हो गया हमारा पनीर। पनीर डालने से ये खट्टी भी नहीं रहेगी, जो दही हमारी थोड़ी बहुत अगर खटास है वो निकल जाएगी। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से। अब ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया, इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच बेसन, लगभग 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ये 2 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। इसमें गांठे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारा घोल इस तरह से होना चाहिए, ऐसा, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। ये पेस्ट मैंने फ्रिज में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसके मैं बनाऊंगी, तो आप कोई भी शेप दे लो, आपकी इच्छा है। हम देंगे इसको टिक्की की शेप। इसको अच्छे से रोल करें, नहीं तो ये फट जाएगी। ऐसे करके ऐसे बना के रख लें। हमारी ये टिक्की की तरह दही के कबाब रेडी हैं। अब हम इसको लेंगे और इसके अंदर डिप करेंगे। ये इसमें ब्रेड क्रम्स पे अलट पलट करके इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। पूरी कोटिंग होनी चाहिए ब्रेड क्रम्स की। ऐसे करके निकाल निकाल के ऐसे रेडी करके रख लें सारे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मीडियम आंच पे रखना है, धीरे धीरे डालने में। इनको हिलाना नहीं है अभी 30 सेकंड के लिए। इनको धीरे धीरे अलट पलट करके सेक लें, गोल्डन कर लें। ये हमारे रेडी हो गए। ऐसे ही दूसरे भी। ये हमारे दही के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, और आप भी करें इनको एंजॉय। इसकी फिलिंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, आप भी मेरी रेसिपी देखकर ऐसे ही बनाएं और एंजॉय करें दही के कबाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।